नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और आठवीं कक्षा के सभी बच्चे हमारे साथ इस वक्त जुड़ सकते हैं और हमारा ये साइंस का कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सभी जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं, और ये इस टाइटल का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि NCERT ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भाग एक ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां जाइए और उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस सत्र में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये दोनों कार्यक्रम आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप पहला कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है dth.class8@cieet.nic.in। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 8 पर। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो हमारा नंबर है 8800440559। आइए अपने एक्सपर्ट, अपने मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी मीना, स्वागत है आपका सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार सर। सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर NCERT से। तो आइए सर से पूछते हैं कि सर, हमने जो पहले भाग में बातचीत की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। जैसे मैम ने बताया कि हमने जो पिछला भाग था, भाग फर्स्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में हमने चर्चा की, और जैसा कि जो हमारे तरफ मटेरियल्स है, चारों तरफ सराउंडिंग जो मटेरियल्स है वो मोस्टली एलिमेंट्स से बने हुए हैं। और आप लोगों को पता है सभी को, जैसे कि हमारे जो नॉन एलिमेंट्स हैं 118 के आसपास, और इनमें से मोस्टली मेटल्स हैं, और जिनकी संख्या मोर देन 80 है, और शेष जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, उनमें कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, और इनसे लाखों करोड़ के नंबर में कंपाउंड्स बने होते हैं जिनसे ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स बना हुआ है। और जो ये कंपाउंड्स हैं इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये जिन एलिमेंट्स के बने होते हैं उनको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सके, उनमें वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो भाग फर्स्ट में हमने इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर चर्चा की थी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के द्वारा शो होती है वो नॉन मेटल्स उन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करती है, उनमें नहीं पाई जाती वो चीज़ें। जैसे शाइनिंग है, मेटल के ऊपर से शाइनिंग पाई जाएगी, जिसके मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर भी बताए थे, और आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की। और कंडक्टिविटी ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। और एक प्रॉपर्टी और सॉन्द्रस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉन्द्रस, जब दो मेटल आपस में टकराती है तो उनमें एक रिंगिंग साउंड आती है, वो मेटल्स ही शो करती है, नॉन मेटल्स में वो नहीं पाई जाती है। और मेटल्स हार्ड होती है, उनमें कुछ मेटल्स को छोड़ के जैसे सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, इनको हम जाके हेल्प से काट भी सकते हैं। और नॉन मेटल्स से जनरली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट उनकी प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, क्यों उनको मेटल्स को हम जब हैमर की हेल्प से पीट के, जैसे आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में भी, जो गोल्ड स्मिथ है और जो आयरन स्मिथ है, ये लोग डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं ये मेटल को पीट पीट के, ये नॉन मेटल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी और विद एग्जांपल्स। और आज हम कोशिश करेंगे भाग सेकंड में कि इन जो मेटल्स और नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आज के सेशन में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ जो मेरी लैब में जो अवेलेबल थे इंस्टीट्यूट की लैब में वो मैंने सेलेक्ट किए हैं,
आइटम्स आपके दिखाने के लिए लाया हूँ। जैसे आप देखोगे तो ये नॉन मेटल्स के तौर पे अपने एग्जांपल है, तो चारकोल पाउडर है जो मैंने वाच गिलास में ले रखा है, आप देख सकते हो। सल्फर पाउडर है, ये मेटल्स के जो मैंने पिछली जो भाग पास में भी आपको दिखाए थे, एल्युमिनियम फॉइल है, जिंक है, ये मैग्नीशियम रिबन है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, आप देख सकते हो यहाँ। और ये मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी बनाए हैं, जैसे ये फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन है जिसमें अपन जो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। ये कॉपर सल्फेट प्योर का सॉल्यूशन और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, आप देख सकते हो दोनों एग्जांपल्स यहाँ। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये मैंने जो सॉल्यूशंस लिए ये डिस्प्लेसमेंट जो प्रॉपर्टी है जो रिएक्शन है उसको आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए थे। अच्छा, और इनकी जो क्योंकि ये मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है, और उनकी जो नेचर है बेसिक और एसिडिक दोनों होती है, उनको हम लिटमस हेल्प की तरफ की हेल्प से हम उनकी नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिटमस के ऊपर आप देख सकते हो, ये ब्लू लिटमस पेपर इस प्रकार के होते हैं जिनकी हेल्प से जब जो मेटल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं उनमें जो एस बनती है उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है, उसकी नेचर से हम इन जो लिटमस पेपर इनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं उसकी नेचर को। ब्लू लिटमस पेपर है वो किसी प्रकार का चेंज नहीं होता उसमें, और रेड लिटमस पेपर है ये ब्लू हो जाएगा, ये जो हम जब रिएक्शन को डिस्कस करेंगे उसमें अपन आगे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बातें डिस्कस की जो मटेरियल्स को है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस मेटल्स और नॉन मेटल्स में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। देन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जो बागपस में हमने डिस्कस की थी, लस्टर है, मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, डिटेक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हर मेटल की अलग अलग नेचर है, वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उससे डिफरेंट प्रकार से आप रिएक्शन करेगी, हर मेटल पर डिपेंड करता है। वाटर के साथ अलग प्रकार से रिएक्शन करेगी, हर मेटल की अलग प्रकार नेचर होती है, कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेती है, कुछ हॉट वाटर से करेगी, कुछ दोनों कंडीशंस में नहीं करती, वो कुछ स्टेम से रिएक्ट करेगी, ये अपन आगे देखेंगे। अच्छा, इनकी जो मेटल्स है एसिड से भी इनकी डिफरेंट नेचर होती है, किस प्रकार रिएक्शन करती है डिस्कस करेंगे अपन आगे। बेस के साथ में अलग अलग प्रकार से ये रिएक्ट करेगी। तो अपन आज के सेशन में कोशिश करेंगे इन मेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की। जैसे जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाती है, और सबसे जो फेमिलियर एग्जांपल हम आसपास की जो अपनी डेली लाइफ है या अपने आसपास के घर हैं उनमें देख सकते हैं, अपने खुद के घर में देख सकते हैं, कहीं भी बाहर निकलते हैं तो रोड पे भी आप उसी लोहे के बने हुए आइटम्स होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, आप अपने स्कूल में भी देख सकते हो बहुत से लोहे के आइटम्स बने रहते हैं। तो वो जो वाटर की जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जनरली जो ऑक्साइड्स बनाएगा और मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो काफी पुराने ब्रिज बने होते हैं या जो लोहे के आइटम्स बने होते हैं उन पे ब्राउन ब्राउन से पाउडर्स और लेयर्स बन जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, मॉइस्चर की, वाटर की प्रेजेंस में वो रस्ट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो Fe2O3XH2O। और जब इस जो रस्ट बना उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे और इसकी अपन नेचर को पता करेंगे इसकी नेचर कैसी है, तो ब्लू लिटमस पेपर की में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जैसे आप रेड लिटमस पेपर उसमें डिप करोगे इस रस्ट को वाटर में डिजोल्व करके, तो ये रेड पेपर है वो ब्लू हो जाएगा, जो बताता है कि जो रस्ट की जो नेचर है वो बेसिक होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और ये इजीली आप इसको अपने घर पे कर सकते हो, अपने स्कूल में कर सकते हो, रस्ट पाउडर जो जहाँ भी मिल जाए उसको थोड़ा स्क्रेच करके वाटर में डिजोल्व करके लिटमस पेपर की हेल्प से आप उसकी नेचर को पता कर सकते हो। देन फिर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर जो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है, और उसके ऑक्साइड्स को भी आप देख सकते हो, और यदि मॉइस्चर भी प्रेजेंट है वहाँ
वाटर प्रेजेंस हो, मॉइस्चर प्रेजेंस हो, सीओटी की प्रेजेंस भी क्या होगा, ऊपर के ऊपर वो भी रस्ट फॉर्म बनाएगा। जो ग्रीन प्रकार की कोटिंग होती है, जिसे आप, मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये बना हुआ है, इस पे मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, ग्रीन इस कोटिंग हो जाएगी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक कार्बोनेट की। ये कॉपर का भी एक प्रकार का रस्ट होता है जो आयरन से आप डिफरेंट है, ये आप देख सकते हो लंबे समय तक ये रहेगा, तो इसको आप ये एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। देन मैग्नीशियम है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था, जो ये मैग्नीशियम रिबन है, यदि अपन देखते हैं तो इसको जलाएंगे जब, तो क्या होगा, ये जलाने के ऊपर ये एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस के प्रकाश जो एस है आप देख सकते हो, ये मैंने इसमें ले लिया, ये इस प्रकार की होगी एस, ठीक है। इसको जलाने पे, क्योंकि वो एक्टिविटी शो नहीं करता, शो नहीं कर सकता आपके सामने अभी ये लाइव में, लेकिन आप इसको कर सकते हो, मैच बॉक्स कर लोगे आप इस पाउडर को वाटर में डिजोल्व करके, इसकी नेचर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना इसकी नेचर कैसी है, बेसिक है और एसिडिक है। आप ये जब रेड लिटमस पेपर लेके जाओगे, क्योंकि जो एस बनी इसको वाटर में डिजोल्व कर लो, वाटर में डिजोल्व करके उसके अंदर जो रेड लिटमस पेपर है उसको डिप करके देखोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये बताता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी जो नेचर है वो बेसिक है। इजीली कर सकते हो ये, और बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी एक्टिविटीज है और अच्छा भी लगेगा। और जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है मैटर, जो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड मेटल नॉन मेटल्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इजीली छोटी छोटी एक्टिविटीज को आराम से कर सकते हो, जो अपने स्कूल में या जो लेबोरेटरी में छोटी छोटी जो आप अपने टीचर की हेल्प से आप उनको जो आइटम्स है, जो जो रिक्वायरमेंट्स आप चाहिए वहाँ से लेके उनकी पर, हाँ बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब ये रिएक्शन करो टीचर की प्रेजेंस में करो, क्योंकि बहुत से जैसे सोडियम और ये जो पोटेंशियम की जो इनकी जो रिएक्शन होती है वो एग्रेसिव होती है, फायर कैच कर लेती है और इंसिडेंट होने का चांस रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बता भी सकता हूँ, जैसे ये है, ये सोडियम तीसरा, क्योंकि इसको मैंने पिछले भाग में भी आपको बताया था कि इसको अपन जनरली केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि इसको आप एयर में रखोगे ओवर तो तुरंत ये फायर कैच, पोटेशियम और दोनों की नेचर है, फायर कैच कर लेगा। और मैं आपको एक्टिविटी करके भी बता सकता हूँ, आप देखो छोटे, आप ये छोटा सा बीकर लिया मैंने, ये एक्टिविटी थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, और आप इसमें फोर्सिप की हेल्प से मैं ये जो सोडियम का फेस है इसमें डालो, देखो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, देखो आप जो सोडियम पीस है वो देखो, एक आप देखा होगा तो बहुत डेंजर होता है, वाटर के साथ एयर के साथ तुरंत रिएक्शन करता है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिनसे आप लेकिन हाँ जब भी एक्टिविटीज करो टीचर की हेल्प से और टीचर की उपस्थिति में करना, बहुत सावधान रखनी पड़ती है इन एक्टिविटीज को करने के लिए। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो सोडियम और पोटेंशियम की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर, बहुत विग्रेसली होती है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और जिंक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम पाउडर है ये रखा आपको दिखाया था मैंने, और ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स को देख सकते हो आप ये, और ये एल्युमिनियम फॉइल है, ये इन पे क्या जनरली क्या होता है, एक लेयर होती है इनके ऊपर मेटल सरफेस पे, इनकी पर मेटल ऑक्साइड्स की लेयर होती है जो आगे इनको फर्दर और ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होने इंस्टेंस का प्रोटेक्ट करती है, आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनकी नहीं होने देती उनमें नहीं है। और जो आयरन है, आयरन नेल मैंने ले रखी है देखो, एक ये बहुत स्लोली रिएक्शन करती है। और जैसे कॉपर है, कॉपर तो जनरली कोल्ड कंडीशन में तो रिएक्शन करता ही नहीं है, हाँ हॉट कंडीशन जो कॉपर हॉट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर क्यूप्रिक ऑक्साइड्स का ब्लैकिश कोटिंग हो जाएगी कलर के ऊपर। और जो सिल्वर है, गोल्ड है, और ये रिएक्शन ही नहीं करते, आप देखोगे ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते, आप इजीली नहीं करते, और वाटर के साथ भी नहीं करते, आप देखोगे प्योर सिल्वर, प्योर गोल्ड और कॉपर ये जनरली रिएक्शन वाटर के साथ ही, इसीलिए आप जो खाने पीने के जैसे पहले बर्तन होते थे पुराने टाइम के और अभी भी आप देखो इजीली, क्योंकि उन्हीं को यूज में लेते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते। जी मैम, कोई आप कुछ कोई क्वेश्चन हो जी, प्लीज। जी सर, आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं
तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो फास्फोरस होता है वो पानी में स्टोर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी मैम, बिल्कुल, वो अच्छा क्वेश्चन है मैम ये, क्योंकि जनरली मैडम जैसे मोस्टली मेटल्स सभी रिएक्टिव होती हैं जी और ऑक्सीजन और वाटर के साथ इजीली वो रिएक्शन करती है, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसे नहीं करती है। जो फास्फोरस है एग्जांपल नॉन मेटल्स का होता है, लेकिन फास्फोरस एक एक्सेप्शन है, रिएक्टिव मेटल है और नॉन मेटल है, इसीलिए उसको वाटर में रखा स्टोर करके रखा। ओके ओके सर, आप रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं तो क्या आप हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं? जी मैम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है मैम, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली रिप्लेस कर देती है। और मैंने आज जैसे अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले भी कहा कि आज के सेशन में उस पर रखा भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक्टिविटी जो मैं बता भी सकता हूँ आपको। अब आप ये देख सकते हैं, ये प्योर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपके सामने ब्लू कलर का जी है ना, इसमें कॉपर और सल्फेट है, और एक ये सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बट मैंने क्या किया, जब जो प्योर कॉपर था ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो कॉपर था उसको जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया सल्फेट सॉल्ट से, तो आप देखोगे ये एक तो इसमें लेस ब्लू दिख रहा है आपको, एक डार्क ब्लू से दोनों को डिफरेंशिएट, क्योंकि जितना भी कॉपर था उसको जिंक ने उस सोल्ट से रिप्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टिव जो मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को सोल्ट से रिप्लेस कर देती है, और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जी ओह मैम, ओके ओके सर, सर अगर हम देखें तो मेटल जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl एसिड से, तो वो किस तरह से करता है, क्या आप हमें प्रोसीजर समझा सकते हैं? जी मैम, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जी मेटल्स जब मैम एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो जैसे पता है कि एसिड में हाइड्रोजन होता है, जी हाइड्रोजन आयन होता है, और मेटल्स उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, वहां सॉल्ट बनाती है, जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में इवोल्व होता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और जब हम उसको जैसे ये मैं टेस्ट ट्यूब है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी जैसे मेरे पास जैसे HCl ये है, मैं इसको करके भी बता सकता हूँ आपको लाइव एक्टिविटी में, जैसे HCl मैंने सॉल्यूशन दे रखा है टेस्ट ट्यूब में, जैसे इसको और इसमें जब मैं कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करूंगा, तो आप देखोगे, देखिए कुछ इफरवेसेंस निकल रहे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, जी देखो आप कुछ साउंड भी, आप मेरे को लगता है ये जी देखिए आप, बबल्स हम देख सकते हाँ हैं। बबल्स भी आ रहे हैं, और जब इसके ऊपर मैं आप देखोगे तो एक पॉप साउंड यहाँ प्रोड्यूस होगी, जी जब मैच बॉक्स से मैं यहाँ करके दो तो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जब एसिड से रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसके अंदर, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेस्ट ट्यूब में इसका जो टेम्परेचर है वो भी आप देखोगे रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल भी है। जी मैम, ओके सर, और जो मेटल्स होते हैं वो जी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं? मैम, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अपन डिफरेंशिएट करते हैं जी तो उसमें भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, तो पिछले मैंने जो भाग फर्स्ट था उसमें भी ये बात बताई थी मैंने, क्योंकि जो मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में वो कंडक्टिव जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्शन होता है उनमें, और ऐसा नॉन मेटल्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट रहते हैं। जी मैम, ओके थैंक सर, एम्फोटेरिक जी, नेचर के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? यस मैम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी जैसे मैम कुछ मेटल्स होती है जो जिनके जो ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड है, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और उन जो मेटल की जो मेटल ऑक्साइड जो नेचर होती है बेसिक होती है, जैसे मैंने बताया था आपको लिटमस पेपर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो नॉन मेटल्स होती है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सल्फर है,
सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, जैसे ये सल्फर है जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी और इसकी नेचर एसिडिक होती है। और ये चारकोल है, चारकोल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कंप्लीट कंबेंशन रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जब इनकम्प्लीट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और उनको भी रिलेटेबल हेल्प की हेल्प से हम रिलेटिव पेपर उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं जो नेचर है वो कैसी है। तो एसिडिक नेचर होती है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की, बट कुछ मेटल ऐसी होती है जिनकी मेटल ऑक्साइड की जो नेचर है बेसिक एज वेल एसिडिक दोनों प्रकार की नेचर शो करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिंक और एल्यूमिनियम, तो इनकी जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी जो पाई जाती है जिस मेटल्स के ऑक्साइड्स में उनको एम्फिटेरिक नेचर बोलते हैं। ओके ओके सर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हमारे पास एक आखिरी मिनट रह गया है कार्यक्रम खत्म करने के लिए, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल से जुड़ा हुआ? यस मैम, क्योंकि जैसे इनकी प्रॉपर्टीज तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत प्रॉपर्टीज है और उनको एक्सप्लेन करने के लिए तो टाइम भी चाहिए, बट जैसे मैं आज के सेशन में रखने वाला था कि जैसे मेन बेसिक जिनको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो और 8th क्लास के जो स्टैंडर्ड पर है, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस को लेते हैं और एसिड के साथ जैसे मैंने आपको करके भी बताया मेटल्स है, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। और बेस के साथ में मेटल्स रिएक्ट करती है, जैसे एल्यूमिनियम है जो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते तो वो भी सोल्ट बनाते हैं, जिंक के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, सोडियम जिंकेट है, एल्युमिनियम जिंकेट, बट नॉन मेटल्स है वो कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनाते हैं। जी मैम। जी सर, सो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बहुत कुछ बताने के लिए इस केमिकल और प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और जैसा कि आपने बताया कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं लेकिन हम एक छोटे से कार्यक्रम में सारी नहीं बता सकते, पर जितना भी आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। जैसा कि सर ने कहा प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं और आप घर बैठे भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एसिड्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स किस तरह से उन गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो आप साइंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखिएगा भी ज़रूर। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि और भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो देखते रहिए PM ई विद्या चैनल्स और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।